मैनपुरी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ चुकी है। हाल ही में हुए आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बार चुनावी जनसभाओं में जोर शोर से भाग ले रहे हैं। मैनपुरी से सपा ने डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनकी जीत सुनिश्चित कराने के लिए पूरा सैफई परिवार जी तोड़ मेहनत कर जगह जगह जनसभाएं कर रहा है। इस बीच रविवार को सैफई परिवार ने एक जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, मैनपुरी तो नेताजी की कर्म भूमि है। मैनपुरी की जनता नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए इस बार फिर से समाजवादी को ही जिताने का काम करेगी। यहाँ के लोगों ने अगर किसी को जिताया था तो वो समाजवादी पार्टी को जिताया। इसलिए मैनपुरी के अपने विधानसभा के जितने भी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी का तो है ही है, लेकिन ये नेताजी से जुड़ा हुआ चुनाव है। मैनपुरी का सम्मान नेताजी ने बढ़ाने का काम किया, इसलिए इस चुनाव में आप सब लोग मिलकर के एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल देना, यही निवेदन यही अपील मैं आप सबसे कर रहा हूँ। वही पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने डिंपल यादव के लिए वोट की अपील करते हुए नम आंखों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज चाक पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग अपने आप को समाजवादी कहते हैं वही नेताजी को श्रद्धांजलि देते हैं और उसके बाद उन्हीं के ही परिवार के खिलाफ चुनाव में उतरते हैं। मैंने कभी कल्पना जिन लोगों ने नेताजी के बाद के इस चुनाव को चुनौती देने की कोशिश की है, अपने वोट के माध्यम से इतना भरपूर जवाब दे देना, मुंहतोड़ जवाब दे देना कि कभी भी ये लोग नेताजी के नाम का ढोंग न कर पाए, ये मेरी आप सबसे अपील है। जो लोग दो दिन पहले श्रद्धांजलि दे रहे थे सभी में, वो आदरणीय डिंपल यादव जी के खिलाफ उम्मीदवार होने घूम रहे, और मेरे मैनपुरी के क्रांतिकारी लोगों आप बर्दाश्त कर लोगे इन बातों को। साथ ही स्वर्गीय नेताजी की बड़ी बहू डिंपल यादव ने भी मैनपुरी की जनता से वोटों की अपील करते हुए कहा, नेताजी एक नेता ही नहीं एक विचारधारा है। ये चुनाव जो होने जा रहा है ये मेरा चुनाव नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का चुनाव है। हर एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का जो आज यहाँ उपस्थित है ये उनका चुनाव है और ये नेताजी का चुनाव है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में हम लोग ऐसी जीत हासिल करेंगे जैसा अवधेश प्रसाद जी ने कहा अभी कि इसका डंका पूरे हिंदुस्तान में बजेगा। मैनपुरी नेताजी की कर्म भूमि रही है, नेताजी कर्म योगी, नेताजी ऐसे कर्म योगी थे जो सदैव हम सभी के हृदय में हमेशा रहेंगे। नेताजी का मैनपुरी से एक भावात्मक रिश्ता रहा है और मैं आज आपको भरोसा दिलाती हूँ ये रिश्ता आगे बढ़ाने का काम मैं करूँगी और साथ में आपके अखिलेश भैया भी करेंगे। बता दें कि बीते उपचुनावों में अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर जनसभाओं में भाग नहीं लिया था और जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। समाजवादी के अपने ही गढ़ में बीजेपी का कमल खिल गया। मैनपुरी उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव न होकर नेताजी और समाजवादी पार्टी की इज्जत है। अगर भाजपा मैनपुरी में सेंधमारी करने में कामयाब रही तो यह समाजवादी पार्टी की साख को भारी बट्टा लगाएगा, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए शर्मनाक बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ने शिवपाल यादव के करीबी रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हो गए थे। मैनपुरी से न्यूज वॉच इंडिया के लिए मुनीश मिश्रा के साथ अतुल कुमार की रिपोर्ट।